बीजेपी की 15 प्रत्याशियों वाली पहली लिस्ट में इकलौती महिला का नाम है, ये नाम है शगुन परिहार का, जिनकी अब चारों तरफ चर्चा हो रही है। खास तौर से जम्मू और कश्मीर में बीजेपी ने शगुन परिहार को किश्तवाड़ से टिकट दिया है। शगुन परिहार का लिस्ट में नाम आने के बाद उनकी चर्चा अब जोर शोर से हो रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार ये शगुन परिहार है कौन। बता दें कि शगुन परिहार बीजेपी के जम्मू कश्मीर में दिग्गज नेताओं में से एक अनिल परिहार की भतीजी है। अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने अनिल और अजीत को तब निशाना बनाया जब वे रात को अपने घर जा रहे थे। अनिल परिहार की बीजेपी में पोजीशन और डोडा किश्तवाड़ भरदवाह जिले उनकी पैठ का देखते हुए पार्टी ने उनकी भतीजी शगुन पर बड़ा दाव खेला है। मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया, हमारे संगठन ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जेपी नड्डा जी ने, हमारे संगठन महामंत्री अशोक कोल जी ने, हमारे किश्तवाड़ के नेता सुनील शर्मा जी ने, और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी सेवा का अवसर ये जो मुझे मिला है, मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है इस कसौटी पे जो मुझे उतारा गया है, मैं इस कसौटी पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। नया चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से उतारा है, तो क्या कुछ लग रहा है आपको, कितने लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे? परिहार ब्रदर्स की किलिंग के बाद, चंद्रकांत जी की किलिंग के बाद, कहीं ना कहीं किश्तवाड़ में सभी लोगों की जो है उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी पर ही डिपेंड थी, तो क्या लग रहा है आपको? जी, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे किश्तवाड़ के लोग इस किश्तवाड़ की बेटी को खुले दिल से अपनाएंगे, और ये इलेक्शन शगुन परिहार का नहीं, केवल अजीत परिहार, अनिल परिहार के परिवार का नहीं, ये इलेक्शन उन तमाम शहीदों के परिवार का है जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। ये इलेक्शन तमाम किश्तवाड़ वासियों का है जो किश्तवाड़ में अमन, सुकून और भाईचारा चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस सीट पे उतारा है, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से चल रही हैं? परिवार में क्या कुछ माहौल था जब आपका नाम जो है वो सामने आया था? जी, भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझ पर ये विश्वास दिलाया जताया है, ये संगठन जो है हमारा, उसने ये मतलब अगर मुझे ये मैंडेट दिया है किश्तवाड़ से, तो भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन, हमारे किश्तवाड़ के लोग, तमाम लोग, ये सब मुझे मिलकर चलाएंगे। मैं एक्सपीरियंस में और हर चीज में उनसे पीछे हूँ, मैं उन सब से बहुत छोटी हूँ, मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति मेरा मार्गदर्शन कदम कदम पे करेंगे। तो परिवार में क्या कुछ माहौल था, क्योंकि शहीद अनिल जी, अजीत जी कहीं ना कहीं शहीद हुए थे 2019 की बात, 18 की बात करें तो उसके बाद से थोड़ा परिवार जो है कहीं ना कहीं एक बड़े का साया, जिसको मैं कहूंगा कि वो इस परिवार से उठ चुका था, तो उसके बाद आपका नाम आज सुबह आना, परिवार में क्या कुछ माहौल जो है था? जी, परिवार में तो बहुत खुशी का माहौल था, कहीं ना कहीं हम पापा, छोटे पापा को बहुत मिस कर रहे थे हम सभी लोग, कि मतलब जो चीजें हमने उनके लिए सोची थी वो चीजें हमें आज मिल रही हैं। मतलब इस चीज को लेके मैं आपसे क्या कहूँ, मतलब ये चीजें बहुत इमोशनल, मैं ज्यादा कहूंगी तो मैं रो दूंगी, और मैं नहीं चाहती मैं अपनी कमजोरी आप सबके सामने दिखाऊं। और हमारे संगठन का साथ तो हम पे, हमारे साथ उस वृक्ष की भांति रहा जो हम तक आने वाली हर धूप, हर बारिश और न जाने कितनी अलाउं बलाओं को हम तक आने से पहले ही टाल देता था। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक बहुत बड़ा संगठन है जो अपने हर व्यक्ति तक पहुंचता है, अपने हर व्यक्ति का ध्यान एक परिवार के सदस्य की तरह रखता है। हमारे पापा, छोटे पापा के जाने के बाद हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने, सेंटर, चाहे वो सेंटर के हों चाहे वो स्टेट के हों, हमारा मार्गदर्शन कदम कदम पर किया, हमारा ध्यान रखा हर चीज में।